नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। ग्रीन कॉरिडोर नेशनल 152 डी की अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे को लेकर चल रहे किसानों के धरने पर किसान की मौत के 36 घंटे बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। दिन भर किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की हुई वार्ता विफल होने पर किसानों ने शव को लेकर लघु सचिवालय कूच किया और जमकर हंगामा काटा। मृत किसानों के आश्रितों को 1 करोड़ मुआवजा व परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। उनके गांव में जुटे किसानों के साथ पंचायतें, खाप, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का समर्थन रहा। अल्टीमेट दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने पर ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 6 महीने से ये धरना जो जमीन एक्वायर को लेकर के जिस तरीके से जमीनों का जो मुआवजा है वो कम कर दिया पूरे देश में, तो बढ़ने की बातें थी। और जब यूपीए की सरकार थी तो ये फैसला हुआ था कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। आज उसमें भी कटौती कर दी, जिसको लेकर के लंबे समय से किसान साथी हमारे बैठे थे। उसमें 2-3 जगह लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, किला जफरगढ़ में बैठे हैं और ये पूरा जो हाईवे निकलना है, और इस तरह की 3-4 घटनाएँ होगी। तो जहाँ एक तरफ बढ़ा करके मुआवजा दें, टोल टैक्स में हिस्सेदारी दें, वहीं अभी एक बात हो रही है कि 1 करोड़ रुपया जो हमारे किसान शहीद हुए हैं राम अवतार जी, उनको मिले, परिवार में नौकरी मिले और साथ साथ जो है उनको शहीद का दर्जा मिले। तो मैं इतना ही कहूँगा कि संवेदनहीन सरकार है, प्रशासन संवेदनहीन है। 2 दिन हो गए कोई जा करके मिला नहीं, इसलिए अभी जो यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर को यहाँ पर ला करके रखा ताकि कम से कम सुनवाई हो। तो ऐसे में पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। देखिए, हमने तो कहा कि 4 गुना मुआवजे की बात थी, आज 50 लाख से घटा करके 30-35 लाख कर दें और ऐसा मामला हो तो मैं समझता हूँ कि लोग तो धरने पे बैठना लाजमी है और उस धरने पे ही इस तरह की घटना घटी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को जिम्मेदारी इसमें समझते हुए संवेदनशीलता के साथ तुरंत इस मुद्दे को लेकर के इसका समाधान। जो डिमांड है वो अनड्यू डिमांड है, अब वो कैसे मान लें? जब तो जो है ना, इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो अनरीजनेबल है, वो रीजनेबलनेस नहीं है, इसलिए वो जो है मतलब कि मानने लायक नहीं। तो प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन की तरफ से हमको डीसी रेट पे कोई नौकरी भी करे थे, कुछ आर्थिक मदद हमारे लेवल पर जो भी है वो भी हमने आश्वासन दिया था इनको, तो उसमें नहीं मांग। क्या सर, ऊपर बात नहीं हुई है क्या आपकी? ऊपर बात नहीं हुई है क्या ऊपर अधिकारी? ऊपर बात हो रही है, कोई रूल रेगुलेशन तो हो तभी तो दें। ऐसे कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं होता ना कोई। ऐसे प्रशासन की तरफ से कितनी आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया? हम जो है 4-5 लाख तक इनको कहते हैं, हम अपने लेवल पर जो है आपको जो है मुहैया करवा देंगे। चलो बाकी चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।